मजा आया? मुझे भी बहुत मजा आया। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक करने में बहुत मजा आता है। हम ऐसा ही कोई छोटा सा ट्रिक करते हैं और इस ट्रिक को हम बोलेंगे पीकाबू। और इसके लिए हमें चाहिए मैच बॉक्सेस, पेपर्स, गूगली आईज, स्केच पेन। तो अब हम बनाते हैं पीकाबू। पहले लेंगे माचिस की डिब्बी, सारे माचिस की तीली को हम बाहर निकाल देंगे। अब इसके ऊपर का जो कवर है उसके ऊपर कलरफुल पेपर चिपकाएंगे। उसके लिए पहले हम इसके ऊपर इसको ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे। हमें इतना ही पेपर चाहिए। अब इसको हम काटेंगे। गुजराती में काट दिया को क्या बोलते हैं पता है? कापी नाखियो। तो ये कट गया। अब इसको हम इसके ऊपर चिपकाएंगे, ग्लू लगा दिया। अब इसको इसके साथ चिपकाएंगे। ये चिपक गया और जो एक्स्ट्रा कागज है उसको काट के हम अलग कर देंगे और बाकी के हिस्से को ग्लू से चिपका के फोल्ड कर देंगे। अब ये बन गया हरे रंग का बॉक्स। अब ये हरे हरे घास के ऊपर हम बनाएंगे स्नेल। तो इसके लिए हम पहले एक ब्राउन पेपर लेंगे। अब उसके ऊपर बॉडी ड्रॉ करेंगे। स्नेल की बॉडी कैसी होती है? ऐसे 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 स्पाइरल, स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम काट लेंगे। ये काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको थोड़ा 3D इफेक्ट देते हैं और इसके लिए हम लेंगे क्रेयॉन और इसके ऊपर ऐसे क्रेयॉन का भी एक ऐसा ही राउंड बना के उंगली से स्मज कर देंगे और ये 3D स्पाइरल। अब इसमें लाइन के साथ थोड़ी थोड़ी शेडिंग भी आ गई ना। अब थोड़ा टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं स्केच पेन से। कुछ ऐसे। अब इसको हम माचिस के डिब्बी के ऊपर रख के देखेंगे। ये हो गया स्नेल का बॉडी। अब हम बनाते हैं मुंह, अपना नहीं स्नेल का। इसके ऊपर हम पेंसिल से मुंह बनाएंगे ऐसा और फिर उसको कैंची से काट लेंगे। गोल गोल बॉडी और गोल गोल मुंह। ये कापी नाकियो। टड़ा। ये कट जाने के बाद रख के देख लेंगे सही है। अब इस पे लगाएंगे आंखें, गूगली आईज। ग्लू से आंखें चिपका देंगे और उसके ऊपर और ये चिपक गई आंखें। मैंने तो इसकी आंखें खोल दी। अब बनाते हैं मुंह, स्माइल वाला। उसके लिए मैं यूज करूंगा काला पेन। ये स्माइल करता हुआ, ये तो इतना स्माइल कर रहा है इसके गाल भी लाल हो गए हैं, इसलिए इसके गाल थोड़ा सा लाल कर देते हैं स्केच पेन से। ये बन गया इसका स्माइली फेस। अब हम इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे कि कैसा लग रहा है। वाव, ये तो अच्छा लग रहा है। हम इसके बॉडी और सिर को चिपका देंगे ग्लू से।
ये सूख जाएगा और सूखने के साथ ये इसके साथ लगा देंगे और ये बन गया अपना स्नेल, जिसका एंटेना ऐसे अंदर से छुप के निकलता है। तो ये बन गया मैच बॉक्स का पीकाबू। तो आज हमने क्या क्या बनाया? हमने बनाया पीकाबू। इसके बाद गाना वाना तो होना चाहिए ना, और गाना वाना मतलब विपिन, क्योंकि रोज विपिन गाना गाता है, लेकिन उसे बुलाएंगे आज जादू की छड़ी से। लुकर पुकर जुलाबू, विपिन कहाँ है, आ जा तू। ओह, ये तो आया ही नहीं। मतलब मेरी जादू की छड़ी काम नहीं कर रही है। छू छू मंत्र ख्वाबों को पास बुलाता है कोई, छू छू मंत्र ख्वाबों को पास बुलाता है कोई, कभी बल्ब से बने पेंगुइन, कभी माचिस की डिबिया से परियों को निकाले है कोई, कभी जादू की छड़ी। तू मेरे बारे में बात कर रहा है ना? है कोई मेरा दोस्त,